धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय मंत्री महोदय का सिंधिया साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देश में इस उड़ान योजना के माध्यम से आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके, इसके लिए न सिर्फ सपना बल्कि उसको साक्षात होते हुए देख रहा है। देश भर में 400 नई उड़ानें, जिसमें 42 नए रूट राजस्थान को मिले, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि पीएम गतिशक्ति में सातवां इंजन हम लोग हवाई अड्डे को मानते हैं। तो इसमें विशेष रूप से मैं, चूंकि आप घंटी नहीं बजाए उससे पहले मैं अपने क्षेत्र की बात करना शुरू कर देता हूं। राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में देखें तो उदयपुर डबोक एयरपोर्ट, जो चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में आता है, और वहां चाहे विश्व विरासत हो, चित्तौड़गढ़ का विश्व प्रसिद्ध किला हो, चाहे कुंभलगढ़ का किला हो, चाहे सांवरियाजी नाथद्वारा, चाहे चित्तौड़ में हम लोग देखें तो केसरिया जी, बैणेश्वर धाम, ऐसे विश्व त्रिपुरा सुंदरी जैसे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सर्किट भी हम लोग देख सकते हैं। वहां राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, ऐसी कई जिले भी हैं जिनको देश दुनिया के लोग देखने आते हैं, और वर्ल्ड वेडिंग डेस्टिनेशन, पूरी दुनिया के लोग वहां, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड हो, चाहे बड़े बिजनेस टाइकून हो, कई बड़े लोग वहां शादियों के लिए उदयपुर के लिए आते हैं। खाड़ी देशों के अनेक लोग, मेरे संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरे उदयपुर संभाग के लोग हजारों की संख्या में, मेरे वहां पास में एयरपोर्ट के नजदीक 50-60 किलोमीटर पे गांव मैनार, वहां के अकेले 3,500-4,000 की आबादी होगी, और वहां के 500 लड़के दुबई में काम करते हैं, और ऐसे ही आसपास के हजारों लोग दुबई में और दुनिया में, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे कामकाजी उसके काम के लिए हो, वहां पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम लोग देखें तो वहां सीता माता सेंचुरी अभ्यारण हो, बसी सेंचुरी है, वहां बैसरोडगढ़ सेंचुरी है, रणकपुर सेंचुरी है। इसलिए हम लोग हर दृष्टि से देखें तो पर्यटन की दृष्टि से भी, सीमेंट इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत बड़ा हब है, मार्बल इंडस्ट्री और माइनिंग की दृष्टि से भी देखें तो बहुत बड़ा हब है, और शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से भी कई लोग यहाँ विदेश में जाते हैं। तो अभी फरवरी माह का ही मैं बताऊं तो उदयपुर एयरपोर्ट पर 1 लाख का फुटबॉल और 900 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का मूवमेंट उदयपुर एयरपोर्ट पर हुआ है। हम लोग वहां देखें तो रनवे और एप्रन का काम चल रहा है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का काम सैंक्शन हो गया, डिजाइन फाइनल स्टेज पे, कस्टम डिपार्टमेंट के वहां पर स्थापित करने की आवश्यकता है, वहां की टीम वहां विजिट करके चली गई। मेरा आपसे ये इतना ही गुजारिश है कि वहां हम लोग देखें तो ट्रैफिक और नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू हम लोग बड़ी मात्रा में वहां वृद्धि हुई है, और वहां कार्गो परिवहन की भी संभावनाओं को देखते हुए नए कार्गो टर्मिनल का भी मुख्यालय पर एक प्रपोजल भिजवाया हुआ है। विमान प्रचालन की सेफ्टी के लिए रनवे रिकार्पेटिंग का काम प्रारंभ हो गया है। 40,000 स्क्वायर मीटर का नए टर्मिनल आपके आने के बाद वहां एक्जिस्टिंग अभी है, जिससे 3 गुना टर्मिनल बिल्डिंग के लिए काम सैंक्शन हो गया। मेरे ख्याल से सॉइल टेस्टिंग होने के बाद बहुत जल्दी काम शुरू होगा। वीवीआईपी B777 एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए वहां सारी फैसिलिटीज हो गई है। मेरा आपके माध्यम से आपसे, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यही मांगे कि वहां हम लोग इंटरनेशनल उस एयरपोर्ट को किया जाए। अभी शुरुआत में गल्फ कंट्री में ही, अगर दुबई में, सिंगापुर और ये 3 घंटे की जो फ्लाइट से वो शुरू हो जाएगी, तो जिन लोगों को मुंबई या अहमदाबाद उतर के वहां आना पड़ता है या वहां जाने के लिए मुंबई या अहमदाबाद जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इमिग्रेशन के लिए वहां ऑफिस स्टैब्लिश हो गया है, बस आपकी परमिशन, आपका, चूंकि हमें थोड़ा ज्यादा जोर है कि हमें आपके ग्वालियर स्टेट के भी बहुत गांव हमारे उस संसदीय क्षेत्र में है। एक जयपुर उदयपुर फ्लाइट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लाइट है, वो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन 28 तारीख को उसको इंडिगो और स्पाइस जेट ने उसको मना किया कि हम 28 तारीख से बंद कर देंगे। एक चंडीगढ़ सूरत इंदौर जयपुर कलकत्ता पुणे गोवा, ऐसी कुछ फ्लाइटें और शुरू हो जाएगी, तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से वहां लाभ होगा। जैसलमेर जोधपुर उदयपुर के लिए उड़ान योजना में वहां इसको कनेक्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे पास में एक हमीरगढ़ हवाई पट्टी है, वहां सारा सब कुछ संसाधन है,
वहां उड़ान योजना में अगर वहां ले लेंगे, टेक्सटाइल मैनचेस्टर कहते हैं भिलवाड़ा को टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी संख्या में, तो वहां अगर उसको ले लेंगे तो निश्चित रूप से। मैं बस लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी का आपका विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि पूरे देश और स्पेशली हमारे चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के कई बालकों को यूक्रेन से आप लोगों ने लाने का काम किया, स्वयं वहां जाकर पूरी दुनिया ने। दो तीन मिनट में बात कहिए जिससे सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख सके, प्लीज।